आपने एक बात सुनी होगी कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ठीक ऐसे ही अधूरा ज्ञान देते हुए लोगों को कांग्रेस के कार्यकर्ता रघुराव पंडी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक आरटीआई के माध्यम से ये पता लगाया कि जो कोरोना की जो वैक्सीन बन रही है जिसका नाम है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक और आईसीएमआर दोनों मिलकर बना रहे हैं, उसके अंदर गाय के बछड़े का सीरम यूज किया गया है। गाय के बछड़े को मारकर उससे सीरम निकाला जाता है, तो वो चीज इसके अंदर यूज की गई है। तो आज के इस वीडियो में इसी विषय के बारे में बात करेंगे और दो सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पहला कि सीरम क्या होती है, दूसरी बात कि भारत सरकार ने कहा है कि वैक्सीन के फाइनल प्रोडक्ट में कोई भी सीरम यूज नहीं किया गया है, तो क्या इसका मतलब क्या प्रोसेस में यूज किया गया, और ये अगर यूज किया गया क्या बात हमसे छुपाई गई है इसके बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को सीरम समझना होगा कि ये सीरम होता क्या है, उसके लिए आप लोगों को अपने ब्लड के स्ट्रक्चर को समझना होगा। एंड आई होप सो आप लोगों ने 10th तक अपने ब्लड के बारे में पढ़ा होगा कि ब्लड के अंदर क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, इनको मिलकर ही हमारा ब्लड बनता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, ब्लड इन तीन चीजों से मिलकर ही बना हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 55% प्लाज्मा है, 1% WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल है, 44% रेड ब्लड सेल है, यानी 45% कोशिकाएं हैं। अब आप प्लाज्मा को अलग कर दीजिए इस 45% सेल से, जिसके जो 55% बच जाता है ब्लड का, जो जब आप इसको अलग करते हो जिसके अंदर प्रोटीन है, पानी है, एंटीबॉडी बनता है। फिर से बता देता हूं कि जब आप प्लाज्मा को अलग करते हो बाकी के कोशिकाएं से, तो प्लाज्मा में कोई भी लिविंग बींग या फिर कहूं कोई भी सेल या कोशिकाएं नहीं होती है। अब प्लाज्मा के अंदर एक और पदार्थ होता है जिसे फाइब्रिनोजन कहते हैं। जब हमें चोट लगती है हमारे शरीर में, जब चोट लगने के बाद खून निकलता है, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि वहां पर चोट लगने की जगह पर वहां एक रक्त का थक्का बन जाता है, या कहूं एक क्लॉट बन जाता है, और हमारा खून बहने से रुक जाता है। ये कैसे होता है? ये होता है जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नाम का एक पदार्थ होता है, उसकी वजह से। जब आप विटामिन के खाते हो तो इससे ज्यादा मतलब जल्दी से रक्त का थक्का बन जाता है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। आपने स्टार्टिंग में क्या किया, जो 100% ब्लड है जिसके अंदर 45% कोशिकाएं हैं, 55% प्लाज्मा है, जब आपने इस प्लाज्मा को, ब्लड के 55% को जब अलग कर लिया और इसके अंदर फाइब्रिनोजन नाम का जो पदार्थ है, अब आप एक काम करिए, फाइब्रिनोजन पदार्थ को भी अगर आप अलग कर लेते हैं जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, जब आप इसको प्लाज्मा से अलग कर देते हैं, जो बचा हुआ पदार्थ है, वो जो बचा हुआ है उसे ही हम सीरम कहते हैं। और अगर गाय के बछड़े का सीरम यूज किया भी गया है वैक्सीन के दौरान, तो इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो सीरम है उसमें कोई भी कोशिकाएं नहीं होती। अभी मैं आया नहीं हूं अपने सवाल के जवाब पर कि क्या किया गया है। अब इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि सीरम नाम की कोई चीज होती है। इसके साथ आप लोगों को एक बात और जान लेनी चाहिए कि जो भारत है वो वैक्सीन का गढ़ है। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी सस्ती दवाई बना सकता है तो वो भारत, जो काफी अच्छी बात है। और सीरम का यूज किया जाता है वैक्सीन के दौरान, अब से नहीं बहुत पहले से। तो क्या वो सीरम गाय के बछड़े का सीरम यूज किया जाता है वैक्सीन बनाने के? खैर, अभी इसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। पहले मैं आप लोगों को ये और बता दूं कि जो सीरम है वो आप लोगों को समझ में आया कि सीरम होता क्या है। अब इसका यूज किस लिए किया जाता है इसको और समझ लो। आपको पता है कि जब आप वैक्सीन लगवाने जाते हो कोरोना की, जो वैक्सीन होता है उसके अंदर होता क्या है? एक्चुअल में उस वैक्सीन में वायरस ही तो होता है जो आपके शरीर के अंदर डाला जाता है। वो एडिनो वायरस हो सकता है या फिर वो खुद एक कोरोना वायरस हो सकता है, जो मृत अवस्था में या कहूं मरी हुई स्थिति के अंदर आपके शरीर में डाला जाता है, जिससे आपके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता। जब ये शरीर में डाला जाता है तो आपके शरीर में एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअल में वैक्सीन जो होता है उसका असली काम क्या होता है? यही तो होता है कि आपके शरीर को एंटीजन से प्रोटेक्ट करना। जब आपके शरीर में मृत अवस्था में कोरोना वायरस या फिर एडिनो वायरस डाला जाता है, तो शरीर को ये ट्रेन करता है कि एंटीबॉडी बनाए, ताकि जब वायरस आपके शरीर में एंटर करे तो ये जो एंटीबॉडी बनकर तैयार रहे तो ये इनसे लड़ पाए। तब ये चीज समझ में आए कि जो वैक्सीन है उसके अंदर वायरस होता है जो आपके शरीर में डाला जाता है। अब ये वायरस जो है वो बनाना तो पड़ता होगा, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी ज्यादा जनसंख्या है, उनके लिए ये वायरस बनाना तो पड़ता होगा। ऐसा तो है नहीं कि सड़क पे जो मिल रहा होगा ये वायरस। और वायरस को बनाना कोई इतना आसान नहीं है, इसके लिए वायरस सेल की जरूरत पड़ती है, यानी कहूं इसके लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, और जो इसका भोजन होता है वही सीरम होता है। यानी वायरस को पनपना है तो इसे सीरम दिया जाता है, ताकि ये सीरम के ऊपर जल्दी ग्रो कर सके। अब सवाल पर आते हैं जिसमें कहा गया है कि क्या गाय के बछड़े का सीरम यूज किया गया? तो इसका जवाब है हाँ, गाय के बछड़े का सीरम यूज किया गया है, लेकिन इसके लिए तो गवर्नमेंट भी मना नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि फाइनल प्रोडक्ट के अंदर गाय के बछड़े का सीरम यूज नहीं होता है। अब आप लोगों के दिमाग में बस एक ये चीज चल रही होगी कि फाइनल प्रोडक्ट और ये प्रोसेस, इसमें क्या फर्क है? प्रोसेस के दौरान तो किया गया है ना। जब ये वायरस आपके शरीर में डाला जाता है तो उससे पहले इससे सीरम से दूर कर लिया जाता है, यानी जो इसका खाना है वो इसको दूर कर लिया जाता है, इसको एकदम मरी हुई स्थिति में लाया जाता है, इसको रासायनिक
प्रक्रिया से धोया जाता है, यानी एकदम शुद्धिकरण की जाती है, इसको नहलाया धुलाया जाता है, तब आपके शरीर में डाला जाता है, तब इससे वैक्सीन बनती है, तब जाके आपके शरीर आपके लिए यूज की जाती है। अब काफी सारे यही सोचेंगे कि यार कुछ भी हो लेकिन इसके अंदर इसके सीरम का यूज किया गया, गाय के बछड़े का सीरम यूज इसके अंदर किया गया है, भले इसे बाद में हटा लिया गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले फाइनल प्रोडक्ट में ना हो लेकिन प्रोसेस के दौरान तो रहा है, इससे हमारी आस्थाओं का क्या हुआ? तो देखो इसके लिए मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, टेक्निकल नहीं जाऊंगा। आप लोग दही खाते हो तो दही के अंदर जो होता है वो भी तो सैली होते हैं, जैसे दूध से दही जब बनता है तो उसके अंदर किसी ने अपना तो बलिदान दिया ही होता है, या फिर इससे भी सिंपल कहूं, जो अगर आप दाल खाते हो तो उसके अंदर भी किसी ने अपना बलिदान दिया है, तब जाके आप वो दाल खा पा रहे हो, ये तो एक प्रोसेस होता है। इसको समझो जो वैक्सीन है उस वैक्सीन में वायरस जो है, उस वायरस को ग्रो होने के लिए सीरम की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो सीरम पर ही जल्दी से जल्दी ग्रो हो सकता है और जिसके अंदर कोई भी कोशिकाएं नहीं होती। अभी आप लोग जो आस्थाओं की बात लेकर बैठे हैं इसको लेकर, और जो ये आरटीआई लगाई गई है वो ये भाई साहब मुझे भूल गए थे कि जो पोलियो है उसके अंदर भी तो ये सीरम यूज किया जाता है, रेबीज का टीका हो गया उसके अंदर भी तो ये सीरम यूज किया जाता है, केवल यही चीज थोड़ना है जो वैक्सीन जो कोरोना वैक्सीन के लिए है वो इसमें ही सीरम यूज किया जा रहा है, बहुत टाइम से बहुत अलग अलग चीजों के लिए सीरम यूज किया जाता जा रहा है। और अब सवाल उठता है कि क्या गाय के बछड़े का ही सीरम यूज किया जाना था और बाकी नहीं थे क्या? तो आप लोगों के सामने जो इमेज आ रही है इसमें आप देख सकते हैं कि 7 प्रकार के जानवर हैं जिसके लिए हम यूज करते हैं, जिनका यूज किया जाता है सीरम के लिए। खैर वीडियो को आप पॉज करके इनको आसानी से पढ़ सकते हैं, और अगर आपको इतिहास बताऊं तो वो तो और ज्यादा खतरनाक है। जो ये सीरम है पहले जो गर्भवती गाय हुआ करती थी तो उसको मार कर ये सीरम लिया जाता था, लेकिन वैज्ञानिकों इसका सब्स्टिट्यूट निकाला और उन्होंने गाय के बछड़े से जो 20 दिन का होता है तो उससे ये सीरम लिया जाना लगा। भारत में जहां पर गाय हत्या जो वो है बैन है, वहां पर ये जो सीरम है वो इंपोर्ट किया जाता है, और अभी तक इसका कोई डेटा बाहर नहीं आया कि कितना सीरम जो है वो इंपोर्ट किया गया है, आ जाएगा तब वहां पर उसके बारे में बात कर लेंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि क्या भारत सरकार ने यह बात हमसे छुपाई है, कि इस सवाल का जवाब तो मैंने कहीं ना कहीं अपनी बातों में दे ही दिया, फिर भी मैं आप लोगों को क्लेरिफाई कर देता हूं कि भारत सरकार ने कहीं पर भी यह बात हमसे नहीं छुपाई है। कोवैक्सीन ने जितनी बार भी ट्रायल किए तो उन्होंने बताया है कि इसके अंदर सीरम यानी वायरस सेल का यूज किया गया है। इन सबसे पता क्या चलता है, जो ट्वीट किया गया है कांग्रेस के कार्यकर्ता गौरव पंडित द्वारा, तो इससे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में भ्रम पैदा करने, एक फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो लोगों के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, जबकि ये बात तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थी। ये आरटीआई लगाकर लोग इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, देखो यार हमने तो कोई भी आरटीआई नहीं निकाली, बस सर्च किया इसके बारे में और फिर हमें इंफॉर्मेशन मिल गई और आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूं। तो जस्ट सिंपल सी चीज है, ये लोग अपनी राजनीति से रोटियां सेक रहे हैं वैक्सीन के ऊपर, और आप लोगों को इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के अंदर इस तरीके की को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन के अंदर हमारी आस्थाओं का के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये सारी चीजें ना दखियानूसी हैं, इन लोगों से दूर रहिए और जितना हो सकता है अपने लेवल पर सर्च करने की कोशिश करिए कि जो बात कह रहे हैं कि वो सच है या नहीं है, उसको तुरंत देखकर सच मान लेना है सबसे बड़ी बेवकूफी है, वो इंसान तो खुद बेवकूफ है, या फिर कहें कि उसे पता था लेकिन उसने कहीं ना कहीं अधूरी नॉलेज दी है लोगों को भड़काने के लिए कि देखो मोदी सरकार ने ये सीरम जो है वो गाय के बछड़े से लिया है, आस्थाओं से खिलवाड़ किया गया है, ये बहुत ज्यादा घटिया क्राइम है, जबकि ये तो खुद बात पब्लिक डोमेन में थी। पब्लिक डोमेन में होते हुए उस बात को आरटीआई के थ्रू लगाना बताना, ये यार सारी की सारी चीजें पता चलती हैं, ये फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।